ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में और मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। ग्रहों का परिवर्तन तो हर क्षण होता है और परिवर्तन का प्रभाव आपके जीवन में पड़ता ही है। कई बार ना चाहते हुए भी हमारे द्वारा कुछ गलत कार्य हो जाता है। हम बुद्धि से समझ रहे हैं, चीन समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो समय का बहाव है वो हमें कहीं और बहाता हुआ ले जा रहा है और कई बार कहाँ से हमें लाभ हो गया हमने समझ भी नहीं पाते हैं। ये सारा ग्रहों का तो प्रभाव है, आपके कर्म का ही प्रभाव है जिसका फल आपके जीवन में आपको प्राप्त होता है। तो कर्क राशि वालों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं 21 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में इन 11 दिनों में आपके साथ क्या कुछ होने के योग हैं ग्रहों के दृष्टिकोण से। इन दिनों कई के अच्छे अच्छे योग बनने वाले हैं। नव संवत आरंभ होने वाला है, भारतीय संस्कृति में नव दिन जिसको बोला जाता है, नया वर्ष आरंभ होने वाला है, तो उन सब चीज़ों के बारे में भी आपको बताएंगे। और समझ लें कि जब 21 तारीख को ग्रहों का परिवर्तन आरंभ होगा समय के अनुसार से, तो 21 तारीख को चंद्रमा जो हैं वो रहेंगे विशेष तौर पर कुंभ राशि में, और चंद्रमा कुंभ राशि में जो रहेंगे वो आपके लिए थोड़े कष्टमय रहते हैं क्योंकि आपके अष्टम भाव में चंद्रमा चले जाते हैं, लेकिन वो बहुत देर तक नहीं रहेंगे। सुबह 11:58 पर चंद्रमा प्रवेश करके भाग्य में आ जाएंगे आपके मीन राशि में और वो आपके लिए बहुत अच्छे युग बनाने वाले हैं। धर्म युक्त आप काम करने वाले हैं। कई बार क्या होता है, मन में अपने आप धर्म जाग जाता है और वो धर्म जागकर बहुत बढ़िया कल्याणकारी योग बना देता है। तो ये योग बन जाएगा स्वयं, आप अपने आप धर्मात्मा बन जाएंगे, मन में धर्म करने का, पूजा पाठ करने का कुछ ना कुछ भाव उत्पन्न हो जाएगा। और उस दिन तिथि भी बड़ी अच्छी है, उस दिन अमावस्या है, 21 तारीख को भौमवती अमावस्या का योग पड़ रहा है। तो कोशिश करें अपने पितरों के निमित्त कुछ दान पुण्य तर्पण इत्यादि अवश्य करने का प्रयास करें। गौ भोजन करा दें, गौग्रास का गौ को निमित्त थोड़ा सा रोटी खिला दीजिए, ब्राह्मणों की सेवा कर दीजिए, ब्राह्मणों को भोजन करा दीजिए। तो ये सब करने से क्या होता है, कई बार आप जाते हैं किसी व्यक्ति के पास, वो आपको बताया था पितृदोष जैसा चीज़ आपके दिमाग में डाल देता है। देखिए, पितृदोष जैसी कोई चीज़ नहीं, पितृ ऋण होता है, उससे पितृ ऋण से निवृत्ति के लिए देखिए सबसे बढ़िया कार्य हम ये कर सकते हैं, गायत्री का जप कर दिया, पितरों के निमित्त तर्पण कर दिया, ब्राह्मणों को भोजन करा दिया, गऊ को भोजन करा दिया। ये अमावस्या के दिन अवश्य आपको करने का प्रयास करना चाहिए, भारतीय संस्कृति की रीति है और बड़ी वैज्ञानिक है, अवश्य करने का प्रयास कीजिए। तो ग्रह तो अच्छे दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में आपको विशेष तौर पर लाभ के योग बन रहे हैं क्योंकि बृहस्पति भी वहाँ चल रहे हैं और बुध भी वहाँ चल रहे हैं, लेकिन बुध थोड़ी शीर्ण अवस्था में, तो आप गौ का पूजन कर लेंगे तो उससे आपको लाभ प्राप्ति के अच्छे खासे योग बन जाएंगे। खैर, चंद्रमा जो है वहाँ पर 3 दिन करीब करीब रहने वाले हैं, 21, 22 और 23 तारीख को। तो ये सारे के सारे समय आपके लिए ओवरऑल बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, अच्छे रहेंगे। धर्मात्मा भाव से आप काम करेंगे तो बहुत अच्छे से कल्याण के योग बन सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जो अच्छे धर्मात्मा व्यक्ति होते हैं, सज्जन होते हैं, लोग उनको धोखा भी दे जाते हैं। इसलिए धर्मात्मा का अर्थ कतई ये नहीं है कि लोग आपको धोखा दे जाए और आप चुपचाप बैठे देखते रहें, शांति के साथ सावधानी के साथ काम करने की ज़रूरत है, इस बात को अवश्य आपको जान लेना चाहिए। खैर, उसके बाद अगले दिन की बात करें तो 22 तारीख को नवरात्र आरंभ हो रहे हैं, नववर्ष आरंभ हो रहा है और इस वक्त पिंगल नाम का जो संवत आरंभ हो रहा है वो कई प्रकार के शुभ योग बनाता दिखाई दे रहा है। बुधवार को नववर्ष का आरंभ होगा और वो बहुत शुभ रहेगा, जीवन में आपके अच्छे उत्थान कल्याण के योग बनाने के समय बन सकते हैं, तो ऐसे में आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो अब हम बात कर लें तो चंद्रमा जो है नवरात्र का आरंभ होगा, उस दिन भगवती का पूजन विशेष तौर पे कलश स्थापना कर सकते हैं, श्री गणेश का ध्यान करते हुए गणेश का पूजन कर सकते हैं क्योंकि बुधवार के दिन है, तो चंद्रमा वैसे ही आपका बहुत शुभ बैठा हुआ है। तो ऐसे में आप गणेश जी का ध्यान करके सुबह सुबह अच्छे मुहूर्त में, आप जो सुबह सुबह का, देखिए उस दिन कोई अशुभ समय नहीं है, बहुत अच्छा है, भद्रा वद्रा विद्यमान नहीं है, तो आप कोशिश करें बड़े शुभ तरीके से सुबह सुबह के समय पर सुबह करीब करीब 11 बजे से पहले पहले अपने घर में कलश स्थापना कर लें, माँ भगवती के निमित्त पूजन कर लें, घर के ऊपर एक अच्छा झंडा लगाएं माँ भगवती दुर्गा का ध्यान करते हुए, तो उससे क्या होगा, आपके कष्टों को दूर करने के अद्भुत योग बन सकते हैं। ये संवत आपके लिए बहुत सौभाग्य के उदय करने वाला रहेगा। इसके बाद 22 तारीख की बात करें तो द्वितीया का अवसर पड़ेगा और उस दिन आपका चंद्रमा वैसे ही बहुत अच्छा चल रहा है, जो 23 तारीख को चंद्रमा की बात कर रहे हैं, 23 तारीख को द्वितीया का अवसर रहेगा और चंद्रमा जो है वो मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे करीब करीब 2:11 पर। तो ये भी आपके लिए बड़े शुभ योग बनाने वाले हैं, आगे बढ़ने के योग बनाने वाले हैं और एक बात बड़ी अच्छी होने वाली है, चंद्रमा के इस परिवर्तन के साथ साथ चंद्रमा शुक्र और राहु का जो विभिन्न विशेष प्रकार का योग आपके दशम भाव में बन जाएगा, ये भी आपके धन लाभ की तरफ इशारा करता है और धन लाभ से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। लेकिन चंद्र राहु की युति जो हो रही है वो दशम भाव में थोड़ा दिमाग को चलना कम कर सकती है,
इस बात का ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा दिमाग को क्रिएटिव तरफ आपको उसको दिखो। दिमाग ऐसी चीज़ है कि जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं हो कि दिमाग ठप, थोड़ा सा कई बार क्या होता है कि काम करते करते दिमाग ठप हो जाता है, तो लेकिन उसको क्रिएटिव तरफ उसको एनहांस करने का प्रयास कीजिएगा। केवल यही कर आप लाभ ले सकते हैं, तो इस बात को समझते हुए काम करने का प्रयास करें। इस दिन शाम को एक बड़ा सुंदर योग बन रहा है, जो 23 तारीख की शाम को चंद्र दर्शन का योग बनेगा। महीने में एक बार योग बनता है, और ऐसे में विशेष तौर पर एक काम कर लेना चाहिए। कहा जाता है हर व्यक्ति को विशेष तौर पर उस दिन शाम के समय जब चंद्र दर्शन हो, तो दिल्ली का अनुसार टाइम नोट कर लीजिए, 6:26 पर चंद्र उदय होगा, और ऐसे में उस समय भगवान चंद्रमा का दर्शन कर अपने उनको थोड़ा सा अर्घ दे दीजिए, और फिर अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। थोड़ा सा गाय का भी पूजन कर लिया जाता है उस समय, गाय के श्रृंग पर थोड़ा दूध डालकर, पुष्प डालकर, हल्दी लगाकर उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास किया जाता है। कहा जाता है कि ये कर्म कर लेने से पूरे महीने में जितने कष्ट होने वाले होते हैं उन सबसे निवृत्ति प्राप्ति के योग बन जाते हैं, तो अवश्य इसका लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। और उसके साथ साथ ये जो चंद्रमा की युति चल रही है, वो मेष राशि में जो चंद्रमा आए हैं वो करीब करीब 2 दिन वहाँ रुकने वाले हैं, और हमें आपके ग्रहों के दृष्टिकोण से दिखाई देता है कि ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन शनि जो हैं वो लगातार आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं, सफलता में बाधा पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि शनि की दृष्टि आपके चंद्रमा पर आ रही है, तो ऐसे में मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिजिडनेस आ सकती है। शनि जो है शंकालु उत्पन्न शंका उत्पन्न कर देते हैं, मन में थोड़ा शंका डाल देते हैं, तो ऐसे में अपने मां को दृढ़ विश्वास साथ आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा, रास्ता आप सही चुन लेंगे। दिमाग को क्रिएटिविटी के साथ यूज़ करने का आपको प्रयास करना चाहिए। ऐसे में आप एक काम कर सकते हैं, भगवतियों के नवरात्र चली रहे, माँ भगवती दुर्गा के निमित्त आप थोड़ा पूजन कर लें, यज्ञ कर लें। हमने नवरात्र में बड़ा सुंदर आश्रम पे आयोजन किया है, सहस्त्र चंडी महायज्ञ, उसमें आप भाग ले सकते हैं, माँ दुर्गा का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ग्रहों का योग चलता रहेगा, और 25 तारीख को जो है चंद्रमा जो है शाम को 19:28 पर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। 11वें भाव के चंद्रमा जो हैं वो भी अच्छे माने जाते हैं, बड़ा सुंदर योग देते हैं, आपके लिए लाभ की स्थिति अच्छी बनती दिखाई दे रही है, तो आपको आगे बढ़ने का सही से प्रयास करना चाहिए। और साथ साथ 25 तारीख को विशेष तौर पर ग्रहों का योग जो दिखाता है कि चतुर्थी है, कुष्मांडा भगवती का पूजन करने का विशेष दिन माना जाता है, तो माँ भगवती को कुष्मांडा जी को विशेष तौर पर उस दिन पेठे का भोग लगाना चाहिए। पेठे का भोग लगाने से साथ साथ क्या करना चाहिए, एक पेठे की बलि भी देनी चाहिए, पेठा लेकर गाय को खिला दीजिए, ये बड़ा सुंदर योग बनेगा, कष्टों को दूर करने वाला योग बनेगा। तो ये उपाय अवश्य करेंगे तो आपको लाभ दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा वृषभ राशि में जाकर आपकी लाभ की स्थिति बड़े प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं। तो 3 दिन तक चंद्रमा वहां रुकेंगे, 28 तारीख को चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे आपकी राशि के अनुसार से 4:28 पर सुबह। ये समय थोड़ा प्रिकॉशन का होगा, ऐसे में खर्चों को कंट्रोल करने का प्रयास कीजिएगा, शत्रु आपका अहित करने का प्रयास कर सकते हैं, आपका मन थोड़ा सा नेगेटिव जा सकता है, तो इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। 28 तारीख को विशेष तौर पर शाम के समय भद्रा भी आरंभ हो जाएगी, तो उस दिन सप्तमी तिथि है, तो भगवती कालरात्रि का स्तवन आपको करना चाहिए। अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरी विनाशम, माँ भगवती काली के मंदिर में जाकर विशेष तौर पर काली मिर्च का उनको भोग लगाएं, काली मिर्च से जो उनको समर्पित करें, काली मिर्च से आहुति प्रदान कर सकते हैं, और ये सब उपाय कर आप अपने कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। ऐसे में खर्चे बढ़ सकते हैं, नुकसान व्यवसाय में थोड़ा नुकसान दिखाई देता है, तो बुद्धि के अनुसार से उपयोग करते हुए काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। और साथ साथ 28 तारीख से लेकर 30 तारीख तक चंद्रमा इसी अवस्था में रहेंगे, और फिर 30 तारीख के शाम को 4:28 पर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। ये आपके लिए शुभ समाचार लेके आएगा, जैसे होता है ना कि कष्टों से बाहर निकलकर ये स्थिति अच्छी रहेगी, और 30 तारीख को से पहले जो है उस दिन बड़ा शुभ योग भी बन रहा है। 30 तारीख को रामनवमी है, महानवमी है, तो उस दिन विशेष तौर पर माँ भगवती दुर्गा का पूजन करें, कन्या पूजन करें, आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त इस उपाय को कर आप अपने बुद्ध की शक्ति को, बृहस्पति को आने वाले जो कमजोर हो जाएंगे, शीर्ण हो जाएंगे, क्योंकि 31 तारीख को बृहस्पति जो है वो अस्त होने जा रहे हैं आने वाले 30 दिन तक के लिए, तो ऐसे में इस दिन विशेष तौर पर माँ भगवती दुर्गा के निमित्त दुर्गा सप्तशती का यज्ञ कीजिए, और भगवान राम का पूजन कीजिए, कन्या पूजन कीजिए। ये ऐसे उपाय हैं कि आने वाले समय को कष्ट को दूर करने के लिए। देखिए, बृहस्पति के अस्त होने से पहले देव कृपा से सुंदर योग बन गया है नवरात्र का, ये सिद्ध मुहूर्त है, इनमें विशेष तौर पर आपको भगवती का स्तवन करने का प्रयास करना चाहिए आपके कष्टों को दूर करने के लिए। और यदि ये सब उपाय करेंगे तो आपके जीवन में बहुत सुंदर लाभ के योग बन सकते हैं, आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं, तो इन सब चीजों को समझते हुए आपको काम करने का प्रयास करना चाहिए। आपका समय आपके लिए शुभ हो। नमस्कार।